ये एक्सपेंशन जो प्रपोजल क्या आ रहा है ना, 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 ये क्या है कि ये इनका है एरिया, इधर भी एरिया ये बीच में, ये बीच में है। अब इन्होंने क्या किया कि ऐसे 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 बिल्ड किए थे ये। अच्छा देखिए ना, रनवे से कितना नजदीक है। अब हमने ये है क्या, ये वही गवर्नमेंट लेवल में हमने कहा था कि अपनी कमेटी के लोग जाएंगे, जैसे विक्रम जी थे, दूसरे थे, पर हुई जिसमें हमारे एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी के जितने भी मेंबर्स थे वो भी आए थे और सीनियर ऑफिसर भी थे, जिसमें आपने देखा होगा कि जहां पर एयरपोर्ट की बेहतरी के लिए और एक अच्छा एयरपोर्ट बनाया जाए उस पर तो चर्चा हुई ही हुई, लेकिन इसके साथ साथ ही जो लोग जम्मू में आते हैं, जम्मू से बाहर जाते हैं, माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए आते हैं, या जम्मू नागरिक जो हैं जब वो एयरपोर्ट जाते हैं तो उनको वो सारी सुविधाएं मिले जिनकी उनको ज़रूरत है, तो बेसिक सुविधाएं लोगों को दी जाएं, वहां पर उनके ठहरने की अच्छी व्यवस्था हो, वहां पर उनकी कहीं लंबी लाइन ना लगे, उनको लाइन में खड़ा ना होना पड़े, और इसके साथ साथ ही विशेष बात जो थी वो ये कि जहाँ पर एयरपोर्ट पर कहीं भी पार्किंग के लिए कोई स्थान नहीं था तो गाड़ियाँ और जो पैसेंजर्स हैं वो रोड पर खड़े हो जाते थे, थोड़े दिनों के अंदर ही लोगों को वो सुविधा भी जो है वो प्राप्त होगी और पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी की जाएंगी। इसके अलावा भी और बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जम्मू एक अच्छा एयरपोर्ट जो है वो बनने जा रहा है।